मित्रों हाजिर हूं मैं आज आप लोगों के सामने में बीमा को लेकर के। ये बीमाएं निश्चित रूप से आप कर लीजिए और मेरा मानना है कि अगर ये बीमा आप कर लेते हैं और मेरे साथ इसको बार बार रिविजन करते हैं तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा बीमाएं के प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको पता होगा कि प्रत्येक जो एग्जाम होता है खास करके रेलवे एसएससी वगैरह में बीमा या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बीमाएँ के प्रश्न पूछे जाते हैं और लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बीमा निकालने में। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा था कि बीमा है क्या, व्हाट इज डायमेंशन कहते किसको है, बीमा कहते किसको है। तो आपको पता होगा कि किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रक में व्यक्त करने में मूल मात्रक के ऊपर जो घात लगाते हैं उसी घात को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात को, मैं बता रहा हूं आपको कि बीमा किसको कहा जा रहा है। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि के ऊपर जो हम लोग क्या लगाते हैं, घात लगाते हैं मूल मात्रक में व्यक्त करने के लिए, उस घात को ही हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। और देखिए मैं रेगुलर आपको बीमा बताता हूं एक तरफ से। सबसे पहले देखिए आपका जो बीमा है वह आवृत्ति, मैं एक तरफ से बता रहा हूँ आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा आवृत्ति बोलिए या कोणीय आवृत्ति बोलिए, या ठीक है कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, कोणीय वेग बोलते हैं या वेग प्रवणता बोलते हैं, वेग प्रवणता कहा जाता है, ठीक है वेग प्रवणता बोलिए, या छह नियतांक बता रहे हैं, छह नियतांक। सबकी बीमा एक समान होती है और इसकी बीमा कितनी होगी, तो इसकी बीमा होती है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, डायरेक्ट भी टी माइनस वन लिख सकते थे या एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन भी लिख सकते हैं। तो ये छह नियतांक का बीमा होता है। किसका बीमा होता है, छह नियतांक का बीमा होता है। चलिए दूसरा बीमा बात कर रहे हैं, यानी आवृत्ति कोणीय वेग वेग प्रवणता छह नियतांक, सबकी बीमा क्या होगी, बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बल का, बल तनाव, ठीक है, और जिसमें भी बल लगा होगा, चाहे वो ठीक है आपको गुरुत्वाकर्षण बल हो, नाभिकीय बल हो या जो भी बल हो, जैसे प्रणोद भार, ठीक है प्रणोद भार, ये सब क्या है आपको बल है, प्रणोद यानी बल फोर्स हो गया, तनाव टेंशन हो गया, प्रणोद ठीक है बायंसी हो गया, और ठीक है आपको एक और मैंने बताया भार यानी वेट हो गया। सबकी बीमाएं बराबर होती है और इसका बीमा होता है एमएलटी माइनस टू, क्या होगा बीमा, एमएलटी माइनस टू होगा। चलिए तीसरा जो आपको है, यानी सबका बीमा बराबर होगा, बल तनाव प्रणोद भार सबकी बीमाएं बराबर होती है और किसके बराबर होगा, तो एमएलटी माइनस टू के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको तीसरे नंबर में बात कर रहा हूं कार्य, ठीक है, उसके बाद देखिए उष्मा, फिर देखिए ऊर्जा, ऊर्जा में सारे प्रकार की ऊर्जा है, यानी आपको कोई भी ऊर्जा ले सकते हैं आप इसमें, जैसे ले लीजिए अस्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, ठीक है अस्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा ले लीजिए, सभी ऊर्जाओं का बीमा क्या होगा, बराबर होगा। अस्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या और भी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आंतरिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, और लीजिए ठीक है आंतरिक ऊर्जा, एक और लेते हैं बल आघूर्ण, क्या लेते हैं बल आघूर्ण, या एक और लेते हैं बल युग्म, यानी सबकी बीमाएं बराबर होती है और ये बीमाएं किसके बराबर होगा, ये बीमा बराबर होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के। फिर से सुनिए, ठीक है कि आवृत्ति कोणीय वेग वेग प्रवणता छह नियतांक, सबका बीमा होगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, बल तनाव प्रणोद भार सबका बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और देखिए कार्य उष्मा ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा बल आघूर्ण, ठीक है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बल युग्म, सबका बीमा बराबर होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। फिर देखते हैं आपको दाब, ठीक है तीस चौथा नंबर आते हैं दाब, देखिए दाब का बीमा, ठीक है दाब का बीमा ले लेते हैं, दाब लीजिए, ठीक है यंग का प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल और आयतन प्रत्यास्था गुणांक सबका बीमा बराबर होगा, देखिए दाब, ठीक है दाब फिर प्रतिबल, फिर आइए यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, फिर आते हैं एक और बीमा लीजिए, ठीक है यंग का प्रत्यास्था गुणांक लीजिए, फिर लेते हैं ठीक है आयतन प्रत्यास्था गुणांक दृढ़ता गुणांक, सबका बीमा बराबर होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और एक और ले लीजिए, ठीक है आयतन प्रत्यास्था गुणांक दृढ़ता गुणांक, ठीक है दृढ़ता गुणांक, फिर आते हैं दृढ़ता गुणांक, ऊर्जा घनत्व, कौन सा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व सबका बीमा बराबर होगा, ऊर्जा घनत्व घनत्व ये बीमा देखिए सबका बराबर होगा, किस कितने के बराबर होगा, तो m हो गया, ठीक है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी एम एल, ठीक है ध्यान दीजिएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये देखिए दाबना है तो क्या करेंगे फोर्स अपॉन एरिया करेंगे एफ अपॉन ए, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया ले लीजिए, एल स्क्वायर काट दीजिए ऊपर, तो आ जाएगा एम एल इनवर्स और टी माइनस टू, एम एल इनवर्स
टी माइनस टू, एम एल इनवर्स टी माइनस टू होगा, इसका बीमा कितना होगा, एम एल इनवर्स टी माइनस टू हो जाएगा। चलिए फिर देखिए पांचवा नंबर, संवेग और आवेग का बीमा बराबर होगा, संवेग और आवेग का बीमा बराबर होगा। संवेग और आवेग आपको पता है ये मोमेंटम हो गया और आवेग मतलब क्या हुआ, इम्पल्स हो गया। संवेग और आवेग का बीमा बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा, एम एल टी माइनस वन के, एम एल टी माइनस वन के बराबर होगा। संवेग मतलब मोमेंटम और आवेग मतलब क्या हुआ, इम्पल्स हो गया, तो दोनों की बीमा बराबर होती है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, आप देखिए पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां देखिए छठा नंबर आपको है कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। छठा नंबर लीजिए गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, फिर देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, मंदन क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, फिर आइए मंदन, फिर आते हैं ठीक है त्वरण। सबकी बीमा बराबर होती है और यह बीमा होता है LT माइनस टू के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, LT माइनस टू के बराबर, किसके बराबर होगा, LT माइनस टू के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होगा, पृष्ठ तनाव बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होगा। मैंने अभी तुरंत बताया था कि बल बटा लंबाई होता है, बल बटा क्या होता है, लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो बल बटा लंबाई, तो एम एल टी माइनस टू हो गया, बटा एल हो गया, तो एल एल खत्म हो गया, तो एम टी माइनस टू हो जाएगा, एम टी माइनस टू हो जाएगा, एम टी माइनस क्या होगा, टू हो जाएगा, एम टी माइनस टू होगा, ध्यान में रखना है। चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव की बीमा बराबर होती है, गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव की बीमा बराबर होगी, गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव की बीमा, ध्यान दीजिएगा, गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव की बीमा बराबर होती है। चलिए कितने के बराबर होगा, तो आपको पता है कि एम, ठीक है एम, और ठीक है आपको पता है क्यू बटा क्या होता है, एम होता है, क्यू बटा एम होता है, आपको गुप्त उष्मा होता है क्यू बटा एम होता है, तो क्यू बटा एम अगर हो जाएगा तो ध्यान में रखना है कि क्या हो जाएगा, आपको एम एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, बटा क्या कर दीजिए, एम कर दीजिए, तो एम एम खत्म हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, तो ये ध्यान में आपको रखना है, एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है गुप्त उष्मा का। फिर देखिए बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिसकी बीमाएं नहीं होंगी, कौन कौन, पहला हो गया विकृति, कौन सा, विकृति, ध्यान में रखिए कौन कौन सी भौतिक राशि है जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग कौन कौन सी राशि है जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं, तो आठवां नंबर आपको आ रहा है, तो कौन कौन सी राशि है, पहला तो विकृति हो गया, विकृति की बीमा नहीं होगी, विकृति की कोई बीमा नहीं होगी। फिर क्या है, अपवर्तनांक की कोई भी बीमाएं नहीं होंगी, याद रखिएगा अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई बीमा नहीं होगा। फिर देखिए आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी का कोई बीमा नहीं होगा, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी बीमा नहीं होता है, याद रखना है आपेक्षिक घनत्व का कोई बीमा नहीं होगा। फिर देखिए कोण का कोई बीमा नहीं होगा, ठीक है एंगल का कोई बीमा नहीं होगा, फिर घन कोण यानी सॉलिड एंगल का भी कोई बीमा नहीं होगा, एकदम ध्यान में रखना है सॉलिड कोण का कोई बीमा नहीं होगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई भी बीमा नहीं होगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता ठीक है का कोई बीमा नहीं होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी रिलेटिव ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी की कोई बीमा नहीं होती, आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई बीमा नहीं होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज आते हैं ठीक है कि पॉइज़ का अनुपात, पॉइजन का अनुपात, पॉइजन का अनुपात का कोई बीमा नहीं होगा, पॉइजन का अनुपात ध्यान में रखिएगा, इस ये जितने भी राशि मैंने आपको बताया है इसका बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं है, बीमा नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखना बीमा नहीं होता है ठीक है, ये जितने भी राशियां हैं इसकी बीमाएं नहीं होती हैं, एकदम ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है, तो ये देखिए ये बहुत सारी राशियां मैंने आपको बताया कि ये सारी राशियों की बीमाएं आपको नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी बात करेंगे विशिष्ट उष्मा का बीमा कितना होगा, जो रेगुलर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो सी बराबर होता है क्यू बटा एम इंटू डेल्टा टी, विशिष्ट उष्मा, तो विशिष्ट उष्मा के बीमा के विषय में जब भी चर्चा करते हैं तो विशिष्ट उष्मा का बीमा हो गया क्या हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और अपॉन एम हो गया और इंटू ये डेल्टा टी यानी केल्विन हो गया, केल्विन को थीटा भी बोल सकते हैं या ठीक है आप टी भी बोल सकते हैं या थीटा, जो भी लिखना है ये काट दीजिए, एल स्क्वायर टी माइनस टू और थीटा माइनस वन, एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन होगा, ध्यान में रखना है कि विशिष्ट उष्मा की बीमा क्या होगी, एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन होगा। अब देखिए गैस नियतांक का बीमा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, गैस नियतांक का बीमा क्या होगा यानी आर का बीमा निकालना है, गैस नियतांक का बीमा निकालना है, आपको पता है गैस नियतांक आर बराबर होता है पी भी बटे एन टी, और एन मतलब ये देखिए पी मतलब क्या हुआ प्रेशर, भी मतलब क्या हुआ वॉल्यूम, और टी मतलब क्या हो गया टी मतलब टेम्परेचर, और एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो देखिए भाई कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे एम एल स्क्वायर
P-2, ये देखिए ये डेल्टा टी कर दीजिए, ठीक है, तापमान है, और ठीक है MNS का ये P भी को बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी एनर्जी का डायमेंशन लिख दिए, N मतलब मोल होता है तो मोल को मोल ही लिखिए, और टेम्परेचर को थीटा कर दीजिए। चलिए लेके चलते हैं M L² T-2, ठीक है, थीटा माइनस वन और मोल माइनस वन हो जाएगा, M L² T-2 थीटा माइनस वन मोल माइनस वन हो जाएगा। तो रेखीय प्रसार गुणांक, ध्यान दीजिए बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की विमा M L² T-1 होता है, प्लांक नियतांक एवं कोणीय संवेग की विमा M L² T-1 होगा, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक सबका विमा या तो थीटा माइनस वन कीजिए टेम्परेचर का, ठीक है, पावर माइनस वन, और या केल्विन माइनस वन कीजिए, इसका विमा हो जाएगा। आवेश का विमा, ध्यान दीजिएगा आवेश का विमा क्या होता है, आवेश का विमा क्या होगा, तो आपको पता है कि Q बराबर होता है IT, क्यू बराबर क्या होता है I × T, यानी ये विद्युत धारा हो गया, क्या हो गया, विद्युत धारा गुना समय हो गया, विद्युत धारा गुना समय होता है, और विद्युत धारा को हमने क्या कहा, A कह दिया, और गुना टी कह दिया, तो ए टी भी कह सकते हैं या आई टी भी कह सकते थे हम, या ए टी, यानी ए टी हो जाएगा, यानी आवेश की विमा क्या होती है, ए टी, आवेश की विमा क्या होगी, ए टी हो जाएगी, ध्यान में रखना है। विद्युत विमा, विभव का विमा क्या होगा, विद्युत विभव का विमा होता है ML², ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव का विमा हो जाएगा ML² T-3 A-1, विद्युत विभव का विमा क्या हो जाएगा, और विद्युत विभव का विमा हो गया ML² T-3 और A ML² T-3 और ठीक है क्या हो जाएगा A-1। तो आपको लग रहा होगा कैसे बनाएंगे इसको, तो ध्यान दीजिएगा विद्युत विभव का कैसे बीमा बनाएंगे, आपको पता है विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, क्या होता है जूल पर कूलम, आपको देखिए जूल का क्या होगा ML² T-2 हो गया जूल का, और कूलम का क्या होता है एटी, मैंने अभी तुरंत बताया, ऊपर लेके जाइए ML² T-3 और क्या हो जाएगा A-1 हो जाएगा, तो ये विद्युत विभव का बीमा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा प्रतिरोध का बीमा क्या होगा, और आसान है, प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है भी बटा आई होता है, भी बटा क्या होगा आई होता है, और आपको पता है कि प्रतिरोध भी का बीमा अभी तुरंत मैंने निकाला था ML² T-3 और A-1 बटा क्या कर दीजिए आई, आई को ए कर लेते हैं, ऊपर लेके जाइए ML² T-3 और A- क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर जो है बहुत सारी बीमाओं के विषय में मैंने आपको बताया, और ये रेगुलर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से अगर ध्यान में रखिएगा तो ज़्यादा फायदामंद होगा। ध्यान में रखना है कि बहुत सारे बीमा को मैंने एक साथ करके दिखाया आपको, तो आपको निश्चित रूप से वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ठीक है अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ठीक है निश्चित रूप से मुझे नैतिक समर्थन दीजिए, जितना ज़्यादा आप समर्थन दीजिएगा उतना ही ज़्यादा मैं आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।